सो हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी को पता है कि इस साल जो है आपका एक इंट्रेंस एग्जाम जो कि BHU का NTA द्वारा कंडक्ट कराया गया था, किस तरह से जो है NTA ने पूरा पूरा जो है बर्बाद कर दिया है। और इसके अंदर केवल NTA जिम्मेवार नहीं है, मैं तो यार BHU को भी मानता हूँ। BHU के प्रशासन भी जो है उतना जो है केयर नहीं किया इंट्रेंस एग्जाम को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। तो इन दोनों का ही जो है पूरा पूरा जिम्मेवारी है, और खास करके मेनली जो है NTA को जो हम बोलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें तो सारे एग्जाम्स इसके अंदर आए हैं कि सबके साथ ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है BHU BSE AG के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि आपके जो है सेंटर जो है मोड ही चेंज कर दिया गया था। एक तो इंट्रेंस जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 बजे रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ जो है सेंटर चेंज कर देते हैं रात के 10 बजे। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हुए हैं, ये इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा परेशानी झेले। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए थे, ठीक है। कई लोग हैं बहुत ज़्यादा दूरी सेंटर था तो वो लोग एग्जाम ही छोड़ दिए इस बार। और दूसरा जो चीज़ है कि पेपर के जो पैटर्न है, बिकॉज यार आप लास्ट मोमेंट पे बता रहे हो, तो पहले कोई भी यार कोचिंग हो या फिर स्टूडेंट्स लीजिए हो, वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कहीं बेसिस पर पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि लास्ट मंथ में आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा पैटर्न ही ये पूरा चेंज कर दिए हैं। खास करके मैं बात करूँगा BSE एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के, बिकॉज अभी देखो मैं वीडियो पहले ही बनाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि अपने इतने क्लासेज के वजह अपने हम लोग को खुद भी बाहर जो है अभी फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहा था, ज़्यादा लोगों से जो है इंटरेक्शन भी नहीं कर पा था। लेकिन जितने स्टूडेंट्स अभी तक बात हुआ है जो खास करके एग्रीकल्चर से अटेम्प्ट किए थे पेपर को, ठीक है, तो उनका यही कहना है कि भैया मैं आगे से जो है BHU का तैयारी ही नहीं करूँगा। मतलब उनका यह है कि अगर वो ड्रॉप भी लेते हैं तो उनका कहना है कि मैं BHU का तैयारी ही नहीं करूंगा आगे से, बिकॉज उनका यही मानना है कि AG का तो पेपर मतलब क्वेश्चन जो है वो लड़ते नहीं है, एकदम मतलब एकदम बाहर से आते हैं। और हम लोग भी एक्सपीरियंस किए हैं कि यार जो इस साल AG का जो क्वेश्चन दिया गया है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो BSE में पढ़ते हैं हम लोग, जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन वहाँ इंट्रेंस में दे रहे हैं। यार ये समझ में नहीं आ रहा, जब इंट्रेंस में आप पूछ ले रहे हो वहाँ पे क्वेश्चन वो सारे, तो यहाँ पढ़ाओगे क्या फिर, ठीक। आप 11th 12th का सिलेबस है, आप बोलते हैं ये भी नहीं है कि आप सिलेबस में बताओ, सिलेबस आपको तो बताते नहीं हो। NTA वाले तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ बताए थे पहले से AG वालों के लिए। तो ये जो है मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, खास करके AG जो बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं जो AG से एग्जाम दिए थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। और बहुत सारे लोग जो हैं BHU का तो मतलब वो सपना बोल रहे हैं कि मैं तो अब कभी मतलब जो तैयारी ही नहीं करूंगा। तो ये आई थिंक ये जो है बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है यार NTA की वजह से जो है स्टूडेंट्स AG वाले स्टूडेंट्स पे। तो देखो, इसमें मैं एक ही चीज़ आपको बोलने वाला हूँ, बस जो मेन मोटो क्या है इस वीडियो का, कि देखो मैं अभी तो जो है कोई ट्विटर ट्रेंड या फिर कुछ भी यार देखो नॉर्मल चलाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ अब भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे आज 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप सभी को पता है कि BHU वर्ल्ड द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी जो चैनल्स हैं यूट्यूब से जो कि BHU से एक्चुअली जुड़े हुए, जो BHU से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, वो सब भी जो है एक ही साथ जो है 6 से 8 के बीच में कर मतलब चलाने वाले हैं। तो इसलिए यार मुझे भी जब पता चला तो मैं भी सोचा कि यार जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ अगर लोग ट्वीट करते हैं तो कुछ असर ज़्यादा होगा, आप जो है अलग अलग करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है 6 से 8 के बीच में जो हैशटैग ट्विटर पर एक्चुअली चलने वाले हैं उन सभी को आप लोगों को भी जो है ट्वीट करना है। अब मैक्सिमम लोग आप से पूछ सकते हैं कि इसका क्या असर होगा, जरूर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इसका कोई असर मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो यार ऐसा नहीं है, हमें निगेटिव होकर नहीं चलना है, कुछ असर हो या ना हो लेकिन एटलीस्ट NTA को समझ में तो आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि उनके द्वारा जो है गलती हो रही है, इवन BHU प्रशासन को समझ में आ जाए। नहीं तो इनका मनमानी जो है ये हर साल चलते जाएगा, हर साल आगे भी, अभी आपको हो सकता है एग्जाम के जो रिजल्ट है इसके में भी वो कुछ ना कुछ वैसे ही झोल झाल कर दें। तो अभी जो है आप सभी को ये चीज़ नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं होना है अभी कि इसके कोई कोई असर नहीं होने वाला है। और दूसरा चीज़, जिनके अच्छे एग्जाम गए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के खराब ही एग्जाम गए हैं, जिनके एग्जाम अच्छे गए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी जो है इन सपोर्ट में आए। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मेरा तो जो है यहाँ पर सही हो जा रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो परेशानी सबके लिए हुआ है। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो BHU वर्ल्ड या फिर दूसरे और भी जो इंस्टीट्यूट चैनल द्वारे जो भी ट्विटर जो चलाए जा रहे हैं, जो ट्विटर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उन सभी को आपको भी जो उसके जुड़ के और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल से तो करना ही, साथ साथ दोस्त से भी है, फैमिली मेम्बर से, सभी से कराना है। और एक चीज़ और आपको कोशिश करना है, देखिए मैक्सिमम लोग हो सकता है बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि उन्हें ट्विटर नहीं चलाने आता है, यार देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो यूट्यूब से सीख सकते हो कि यूट्यूब से मतलब अभी कि किस तरह से जो है ट्विटर अकाउंट बनाना है, किस तरह से जो है आपको ट्वीट करना है सिंपली। तो आप जो भी ट्विटर है मतलब यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही सिंपल सा मतलब यही जो ट्रेंड मतलब ट्विटर हैशटैग है, इन हैशटैग को बस आपको क्या करना है, हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो कॉपी पेस्ट भी करके जो है आपको बस 6 से 8 के बीच में आज बस कोशिश करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं कि एग्जाम, एक तो है हैशटैग कैंसिल BHU इंट्रेंस एग्जाम, दूसरा जो है हैशटैग बॉयकॉट BHU, इन दोनों को जितना ज्यादा से ज्यादा आपको जो है टैग करना है, ट्वीट करना है, ताकि ये जो जितना ऊपर से हम कोशिश करना है कि इसको ट्रेंडिंग में जो है नंबर 1 पे लेके आ जाए आज। तो बस यही वीडियो में कहना था आप सभी से कि आप सभी लोग जो जितने भी लोग हैं आप सभी लोग जो है
कोशिश करिए 6 से 8 आज जो है अपना टाइम निकाले कि एनटीए वालों को जो भी ये गलती कर रहे हैं इनको जो है समझाया जा सके, और जो भी एग्जाम को कोशिश हमें यही करना है कि एग्जाम फिर से कराया जाए जो एक्चुअली बीएचयू का पैटर्न था, जिस पैटर्न पर आप लोगों ने तैयारी किया था। और एजी के स्टूडेंट जो थे उनको भी मैं ये बोलूँगा भाई आप डिमोटिवेट मत हो, ऐसा नहीं है कि सर दे दिया ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा ही क्वेश्चन, इनको जो है को हमें कोशिश करना है आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना कि हम बीएचयू नहीं, बीएचयू में क्यों नहीं आओगे यार, ऐसा थोड़ी है कि बीएचयू किसी और के लिए बना है, बीएचयू आप लोग बीएचयू एग्रीकल्चर जो है तो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है दूसरे लोग क्यों दूसरे लोग आएंगे, तो आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है 8 बजे 6 से 8 के बीच में जो है आप सभी को ट्विटर पर आना है, और सेम चीज़ जो है टैग जो भी आपको टैग्स दिख रहे हैं जो कॉपी पेस्ट हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, वहाँ से जो आपको कॉपी पेस्ट कर कॉपी करके और सेम चीज़ को जो है आपको ट्वीट करना है। सो चलिए मिलते हैं आप सभी से जो है 6 बजे जो है आप, आई होप कि आप